अस्सलाम वालेकुम। हम YouTube चैनल बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद हमें अर्निंग मिलती है। और इस दौरान कितना मुश्किल से गुजरते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हमें अर्निंग कितना मिलती है, दो दो तीन तीन महीने लग जाते हैं $100 पूरा करने के लिए ताकि हम निकलवा सकें, और उसके बाद हमें $200-$300 हर महीने मिलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ कि जहाँ पे सिर्फ एक वीडियो अपलोड करने के आपको $200 मिलते हैं, $150, $50, $100, ये तो वीडियो का है। फोटो अपलोड करने के आपको $40 से $200 मिलते हैं, वो रेजोल्यूशन के साथ है कि HD में है, Ultra HD में है, SD में है, किस में है। तो ये सारा कैसे होगा, कौन सी वेबसाइट है, कैसे ये काम करना है, अर्निंग कैसे लेनी है, पेमेंट मिलेगी किस में, कुछ वेबसाइट के मेथड बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ही आसान मेथड है, कैसे होगा, सारा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो मुकम्मल देखनी है। मिसाल के तौर पर ये एक वीडियो है, टोटल 8 से 10 सेकंड की वीडियो है और इसकी अर्निंग कितनी है $248। दूसरी ये भी 15 सेकंड की वीडियो है टोटल और इसकी अर्निंग कितनी है $199 से लेकर $248। ये तीसरी वीडियो है, ये 13 सेकंड की है, इसका $49 से $98 एक वीडियो अपलोड करने का। और ये चौथी वीडियो है, ये टोटल 10 सेकंड की है, इसका कितना है $200 सिर्फ एक वीडियो का। हैरान कर देने वाली बात, ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, हम पैसे नहीं कमा सकते, जो अपने आप को लेजी समझते हैं, वो आ जाएं, आज मैं बताता हूँ कि अर्निंग कैसे करनी है। मैं किसी वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसकी मैं आपको अर्निंग चेक करवाते, इसको देखें $128। यार $128 सिर्फ एक वीडियो का, मजाक नहीं है। इस वीडियो को क्लिक करते हैं, इसकी अर्निंग देखते हैं $128। अगली वीडियो इस पे क्लिक करते हैं, इसको देखते हैं $200। $200 कितने का है, 60 से 65 हज़ार बनता है $200 का। अगर आप लोग भी इतना अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको मुकम्मल देखनी पड़ेगी। इसमें सारा मेथड जो है वो समझने वाला है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा तो फिर आपको सारी आप ये अर्निंग कर सकेंगे। अगर आप यहाँ से स्किप कर जाएंगे कि बस ठीक है हमने सब कुछ देख लिया अभी हम अर्निंग कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ एक पैसा भी नहीं कमा सकते, एक पैनी एक डॉलर भी नहीं कमा सकते, जब तक आप ये मुकम्मल सेटिंग नहीं देखते, नहीं समझते जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें कि जी ये प्राइसिंग देते किस हिसाब से हैं, इतना पेमेंट देते किस हिसाब से हैं, इनके पास रेट हैं कि जी आपके अगर नॉर्मल वीडियो SD वीडियो है, मतलब कि 512 या इस तरह के पिक्सल में है, तो वो SD में आती है $29। अगर आपकी HD वीडियो है, मतलब कि 720 की वीडियो है, तो वो आती है HD में, उसका रेट है $29 से $499। मतलब कि HD में 1080 भी आती है। अच्छा, इससे अगर कोई बंदा आगे चला जाता है, उसके पास अच्छा कैमरा है, अच्छी वीडियो बना लेता है, तो वो आती है 4K में, उसका रेट क्या है $49 से लेकर $549 तक, तकरीबन $2.25 लाख सिर्फ एक वीडियो का। अभी मैं आपको सारा समझा देता हूँ कि SD क्या होती है, HD क्या होती है। अभी देखिए, जो SD है ये 426x240 से लेकर 960x540, ये जो पिक्सल होते हैं ये होते हैं SD में, 1280x720 ये आती है HD में, फुल HD में आती है 1920x1080, उसके बाद आती है क्वाड HD 2560x1440, उसके बाद आती है 4K ये 3840x2160 ये होती है 4K में। अगर आप इस तरह की वीडियो शूट करते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग है वो आपको मिलेगी $49 से लेकर $549 तक आपको अर्निंग हो सकती है। अभी आप कहेंगे कि यार हमारे पास तो टोटल का कैमरा है या टोटल का मोबाइल है, हम इतना अमीर होते तो हम डिजिटल कैमरा लेते, 4K वीडियो बनाते, यार ये पागल है मैं बता रहा है। तो भाई मैं किस लिए हूँ,
ऐसे आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि आपको एक वीडियो भी शूट नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक पिक्चर भी कैप्चर नहीं करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी, कुछ भी नहीं करना। इस चैनल का यही फ़ायदा होता है कि हर चीज़ आपको किया कराया काम मिलता है, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और पैसे कमाने पड़ते हैं। सारा प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि आपने यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है, पैसे कैसे निकालने हैं, जो इसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी है या पिक्चर अपलोड करनी है वो कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है, उन पिक्चर को या वीडियो को अपना कैसे बनाना है, वो सारा मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपने भी अर्निंग करनी है तो आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है देखें या ना देखें। वो बड़े कहते थे कि कोई काम है करो या ना करो, उसको सीखना लाजमी चाहिए, सीखो शौक से करो मर्जी से। अगर आपने अर्निंग नहीं करनी तो कम से कम ये काम सीख लो, आगे आपके काम आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, साथ लगे बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को क्लिक करो ताकि हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अर्निंग मेथड सीख सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है dissolve.com। अभी जो ही नाम आता है या कहीं पर भी हम अर्निंग करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले ख्याल आता है यार ये वेबसाइट पैसे देगी भी? अगर इसके ऊपर हम काम करें, मेहनत करें और आखिर में पैसे ना मिलें तो सारा दिल टूट जाता है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई ये पैसे दे रही है या नहीं। मैं यहाँ से इसका लिंक करता हूँ काफी और चला जाता हूँ स्कैम एडवाइजर पे। यहाँ पे आके इसका लिंक करता हूँ मैं पेस्ट। अभी इससे पूछते हैं कि भाई हम इस पे काम करना चाह रहे हैं तो क्या ये वेबसाइट पैसे हमें देगी, धोखा तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, पैसे खा तो नहीं जाएगी। तो आपके सामने देखें, ये कह रहे जी 100 out of 100 इसका स्कोर है, आज तक किसी ने शिकायत नहीं की कि इस वेबसाइट ने हमारे पैसे खाए हैं। तो इतना तो काफ़ी हो गया कि वेबसाइट लेजिट है, ओरिजिनल है, पैसे दे रही है। बाकी इस पे हमारा काम रहता है कि हमने मेहनत करनी है और पैसे कमाने हैं। वो कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे dissolve.com, ये टॉप पे पहली वेबसाइट आ रही है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। इस पे हमने सबसे पहले अकाउंट बनाना है, बिल्कुल एंड पे आएंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है, कुछ लोग शुरू शुरू में भाग गए होंगे कि हमें वेबसाइट का पता लग गया है, अब हम अर्निंग ही अर्निंग करेंगे, करके दिखाओ भाई। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन आ रहा है बिकेम आ क्रिएटर, इसको आपने क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करना है बिकेम आ कंट्रीब्यूटर, बिकम आ कंट्रीब्यूटर आपने इसको क्लिक करना है। मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर पढ़ना है तो आपकी मर्जी, अदरवाइज आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दें, मैं आपको सारा समझाने जो वाला हूँ। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला आएगा, यहाँ पे आके आपको थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ती है जो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा नहीं समझते फिर आप ये काम नहीं कर सकते, अकाउंट आपका फिर नहीं बनेगा। यहाँ पे आ रहा है जी स्टॉक फुटेजेस और स्टॉक फोटोग्राफी, आपने दोनों को टिक लगा देना है। यहाँ पे आपने अपने नाम का पहला हिस्सा, यहाँ पे नाम का दूसरा हिस्सा, यहाँ पे आपने ईमेल देनी है, यहाँ पे आपसे बिजनेस टाइप पूछेगा तो आपने इंडिविजुअल को क्लिक कर देना है, यहाँ पे कंपनी नेम, आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम दे सकते हैं, वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। नीचे आए तो यहाँ पे आपने इसका एड्रेस देना है मुकम्मल, आपने अपना एड्रेस देना है और एड्रेस ओरिजिनल देना है, अगर फेक देंगे तो ये अप्रूव नहीं होगी। यहाँ पे आके आपसे स्टेट पूछता है, आपकी स्टेट नहीं आ रही होगी आप कोई डाल दें। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर देना है वो लाजमी है, ये अल्टरनेटिव है, नहीं देना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके ये करें जी आपके पास किस तरह का स्टॉक है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू, कि आपके पास किस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने ये दूसरे को क्लिक करना है। इसके बाद कह रहा है जी हाउ बिग इज़ योर कलेक्शन, कि आपके पास कलेक्शन कितनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको शो कर देता है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप 500 से 1000 भी कर सकते हैं, 200 से 500 भी कर सकते हैं। नीचे आए तो पूछते हैं जी व्हाट काइंड ऑफ फोटोज आर फोटोग्राफी डू यू शूट, आप किस तरह की पिक्चर या वीडियो बनाते हैं, आपकी मर्जी है लिख दें। मैं लिख देता हूँ नेचर, विलेज, एनिमल एंड होम मेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट डू यू यूज़, कि आप किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ये सारे फोटो शूट के लिए या वीडियो बनाने के लिए। मैं कहता हूँ हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरा एंड मोबाइल 4K कैमरा,
ठीक है, हमने अच्छी चीज़ उनको शो करवानी है ताकि उनको एक बार यकीन आ जाए कि बंदा जी बड़ा मेहनती है। डू यू वर्क विद अदर स्टॉक एजेंसीज का, आप दूसरों के साथ भी काम कर रहे हैं? नहीं जी, सिर्फ आपके साथ काम करना शुरू किया है, आपने नो कर देना है। आर यू इंटरेस्टेड इन लाइसेंसिंग फुटेजेस एक्सक्लूसिवली थ्रू डिजॉल्व, के आप इसको लाइसेंस देना चाहते हैं? इस लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जो वीडियो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो किसी और प्लेटफॉर्म पे पेमेंट के लिए अपलोड नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जी ठीक है, आप अगर नो करना चाहते हैं तो नो भी कर सकते हैं। इसी तरह आर यू इंटरेस्टिंग इन लाइसेंसिंग फोटो, वो वीडियो का था, ये फोटो का है, तो आप यहाँ पर यस और नो दोनों कर सकते हैं मर्जी। लिस्ट ऑफ थ्री साइड्स शोइंग ऑफ योर शूटिंग टैलेंट्स, कि आप अपना जो पहला आपका जो वीडियो शूट किया था या पिक्चर बनाई थी वो आप कहाँ पे अपलोड किए हैं, कहाँ पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं जी? फेसबुक पर दिखा रहे हैं, यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर दिखा रहे हैं, आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, आपका कोई सोशल मीडिया जहाँ पे आप से रब्ता कर सकें? यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं, अपने फेसबुक का, अपने टेलीग्राम का कोई दे सकते हैं। हाउ डिड यू हेयर अबाउट डिजॉल्व, आपने इसके बारे में कहाँ से सुना? आप सोशल मीडिया कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आप रेफरल भी कर सकते हैं, कोई आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया कर देता हूँ, उसके बाद ये सेंड एप्लीकेशन है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये स्टेप हमारा कम्प्लीट हो गया, अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये कह रहा है कि आपको थोड़ी देर तक एक मेल आएगी जिसमें आपका पासवर्ड भी होगा और आपका यूजर नेम भी होगा, चेक योर ईमेल, उससे आपने इसको लॉगिन करना। अच्छा, पहली बात ये कि ये जो आपको मेल आती है ये काफी सारा टाइम लगा देती है, 2-3 घंटे, 4 घंटे, बाद औकात एक एक दिन 24 घंटे भी लग जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद कहते जी आपने 10 सैंपल यहाँ पे अपलोड करने हैं, वो जब आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपको मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आपने वो कैसे करने हैं, लेकिन अभी मैं आपको सैंपल बता देता हूँ कि आपने ये सैंपल लेने कहाँ से हैं, वो भी 4K में, ताकि अगले बंदे को कन्फर्म हो जाए कि वाकई यार इसकी जो कलेक्शन है वो कमाल की है, 4K में है, अगला बंदा पागल हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर 10 वेबसाइटें बताई थी कि आप इन 10 वेबसाइट से फ्री में वीडियो, ऑडियो, कैप्शन, पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 4K रेजोल्यूशन में। उसका लिंक भी आपको मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस वीडियो को भी अगर आपने देखना है तो देख लेना है। इसके अलावा ये 3-4 वेबसाइटें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है जी pixabay.com, इसके ऊपर आके आपको यहाँ पे हर किस्म का वीडियो मिल जाती है 4K रेजोल्यूशन के साथ। ये देखिए 41,512 वीडियो पड़ी हुई है, इसी को भी आपने डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये 4K वीडियो है, 4K रेजोल्यूशन के साथ है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, आपने जिस रेजोल्यूशन में आपने डाउनलोड करनी है उसके ऊपर क्लिक करें, या डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें तो आपकी वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो कंटिन्यू विद गूगल कर दें, तो उसके बाद आपकी वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। दूसरी साइट है pixels.com, इसके ऊपर भी सेम उसी तरह का स्टॉक होता है, यहाँ पर भी 4K तक वीडियो मिल जाती हैं, बस आपने क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। यहाँ पे आएंगे, ये वीडियो का ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर ये वाला ये पिक्चर है, मैं किसी वीडियो को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया, मैंने इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा और जिस रेजोल्यूशन में मैंने इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड सिलेक्टेड साइज, तो ये वीडियो या पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। अभी हमारे सैंपल भी आ गए, पिक्चर भी आ गई, आपने यहाँ से 10-12 डाउनलोड कर लेनी है, और उसके बाद उसके साथ करना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह यूट्यूब शॉर्ट बनाए जाते हैं उस तरह की भी डाउनलोड करनी है, लैंडस्केप शेप में भी करनी है, पोर्ट्रेट में भी करनी है। इस तरह देखिए ये मुख्तलिफ रेजोल्यूशन आपके सामने आ रहे हैं, ये देख लें सारा, इस तरह की आपने ये जिस तरह यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं इस तरह भी बनाने हैं, इस तरह ही बनाने हैं ताकि पता चले जी ये सारा कुछ मिक्स कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आपने करना इसके अंदर ये है कि आप जब वहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, इन वीडियोज़ के साथ नाम भी आ रहा होगा, तो आपने उसको कैसे ख़त्म करना है? यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करें और इसको रीनेम कर दें। रीनेम करके आपने यहाँ पे अपना नाम लिख दें, अपने चैनल का नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें, ठीक है, तो ये उनके नाम से नहीं होगी, ये फिर इस पर आपका अपना नाम शो होगा, इससे उनको शक नहीं होगा कि वीडियो कहीं से डाउनलोड की गई है। अभी देखें, ये मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे मेल आ गई है, यहाँ पे क्लिक किया है, मेल पे क्लिक किया तो ये कह रहे हैं जी ये आपकी ईमेल है और ये इसका नीचे पासवर्ड है, लेकिन जो ही इसको हम लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड हमें चेंज करना पड़ेगा, ये मैं सर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आके बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। अच्छा, ये वाली आपका लिंक कह रहा है जी आपका लिंक ये वाला है और आपकी ईमेल ये वाली है और नीचे वाला ये इसका पासवर्ड, ठीक है, तो हमने क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी ईमेल दे, ईमेल आ गया,
पासवर्ड कौन सा देना है, जो पासवर्ड ये वाला आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके पासवर्ड हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद रिमेम्बर में साइन इन को क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है जी अपना नया पासवर्ड लगाएं, ठीक है। पहले वाला पासवर्ड खत्म हो गया, यहाँ पे हम अपना मर्जी का पासवर्ड लगाते हैं। उसके बाद नीचे चेंज माई पासवर्ड है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी हम अपने पासवर्ड को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा कि जी आपका पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, अकाउंट भी खुल गया आपका, पासवर्ड भी चेंज हो गया आपकी। इसकी 10 सेटिंग्स होती हैं, 3 सेटिंग भी आपकी हो गई। अभी ऐसे आगे चलते हैं, अगर यहाँ तक छोड़ दोगे समझ नहीं आएगा, ये जो पिछली मेहनत है ये सारी ज़ाय हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि बैच नेम, और इसके नीचे आ रहा है जी सैंपल। ये जो है ये फ़ोटो का सैंपल है, ये वीडियो का सैंपल है। इसी तरह आपने 10 वीडियो भी डाउनलोड कर लेनी है और 10 पिक्चर भी डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ वीडियो के ऊपर और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, या ऐड वीडियो है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है। मेरी वीडियो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो ये मैंने वीडियो रखी हुई है। पहले इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ओपन को क्लिक करता हूँ तो देखें ये सारी वीडियो मेरी अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। जब तक ये अपलोड होती हैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे आके अगर आपने और वीडियो ऐड करनी है तो ये ऐड के बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम ये नेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो ये आप इनकी हेल्प पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, सीधा सीधा काम है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का थोड़ा सा एक एरर आएगा, देखें यहाँ पे ये एरर आ रहा है। इसमें करना क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। ये अगर डिस्क्रिप्शन दें यहाँ पे कि किस चीज़ के बारे में, यहाँ पे कीवर्ड दें, यहाँ पे एक्सक्लूसिव है, क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे हम कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख के तो फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे आके बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि हमने इसको करना किस तरीके से है। देखिए एक मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये कह रहे जी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। ये देखें ये एक विलेज है, एक गाँव है, ठीक है, उसकी काई कैमरे से ये वीडियो ली गई है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी विलेज ड्रोन कैमरा वीडियो। उसके बाद ये साथ वाले खाने में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है जी कोई कीवर्ड दे दें, आप यहाँ पे विलेज लिख दें, यहाँ पे रिलीज जी ये किसके लिए है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा जी कमर्शियल एडिटोरियल है। अब कमर्शियल को क्लिक कर दें, यहाँ पे आपने टिक नहीं करना, यहाँ पे आएंगे तो आपने इसको जो क्लिक करेंगे तो नो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जी ये प्रॉपर्टी रिलीज येस नो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने चेंज करना है येस करनी तो वो भी कर सकते हैं, नो करना है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद ये इसका आखिरी गाना है जी शूट इन USA येस आर नो, कि ये USA में क्रिएट की गई है या कहाँ बनाई गई है। देखिए मैंने इसको नो कर दिया। अभी इसमें बहुत सारे लोग आके गलती करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको येस कर देते हैं। जब येस करते हैं तो यहाँ पे कोई निशान आता है कि आपने इसको लाजमी लिखना है, तो फिर यहाँ पर फंस जाते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो आपने इसको सीधे सीधा नो कर दें, ठीक है। इस तरह करके ये देखें ये सारी क्लियर हो गई है। तो मैं नीचे वाली सारी इस तरह करके तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी देखें ये सारी यहाँ पे टिक लग चुकी है, इस साइड पे देखें तो मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपने ये सबमिट बैच है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा है, ये कम्प्लीट हो जाएगा। मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर हमने इनको पिक्चर का भी भिजवाना है, यहाँ पर सैंपल के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने जो भी पिक्चर रखी हुई हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टॉप पे ये पिक्चर पड़ी हुई है, ओपन को क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर भी अपलोड हो जाएंगी। फिर जिस तरह हमने वीडियो में डिस्क्रिप्शन नाम शाम ये वो डाला था, इसको भी हम उसी तरह कर लेंगे। मैं इसको भी उसी तरह करके फिर आपको नेक्स्ट बता देता हूँ क्या करना है। इसको भी हम कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे और उसको फिर कंटिन्यू कर देंगे। ये देखिए इसके साथ भी सेम वही मसला आया है, एक बार अप्लाई करके अप्रूव हो जाए ना उसके बाद फिर अर्निंग ही अर्निंग है, लेकिन थोड़ा सा ये काम हमें करना पड़ता है, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा इसमें अगर कोई वीडियो एक्सेप्ट नहीं करता तो यहाँ पे उसका ऑप्शन आएगा डिलीटेड, ठीक है, तो आपने उसको डिलीट कर देना है। और ये सबमिट बैच है, इसको हम क्लिक करते हैं और ये पिक्चरें उनको सेंड करते हैं। ये कह रहे जी आपकी जो पिक्चरें हैं वो कम है, 9 पिक्चरें हैं क्योंकि एक पिक्चर इसमें डिलीट हो गई है, तो इसमें एक पिक्चर मैं और ऐड कर लेता हूँ। मैं बैक को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक दो पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, यहाँ पे आके दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि हमने
मैंने दो पिक्चर्स में और ऐड किए हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रोसेस हो रहा है और इसमें भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन नाम वगैरह ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कम से कम 10 आप पिक्चर सेंड कर सकते हैं या 10 आप वीडियो सेंड कर सकते हैं। ये 10 हो गई हैं, मैं इसको सबमिट बैच पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये कह रहा है जी बैच B2 वाज सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल नोटिफाइड वंस इट हैज़ बीन प्रोसेस। तो ये भी प्रोसेस होगा इसका। प्रोसेस करने के बाद आपको मेल आएगी कि आपका ये प्रोसेस हो गया है। तो उसके बाद आप बाकी पिक्चर या वीडियो आपके पास जो स्टॉक है वो आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बदले में आपको इसके पैसे मिलेंगे। तो वो सारा प्रोसेस आपको उसी ईमेल में बता देते हैं। उसी ईमेल में आपको मुकम्मल हर चीज़ बता दी जाती है कि आपने किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, अर्निंग कैसे मिलेगी। और अगर यहाँ पर पिक्चर के आप देखें रेट्स देखें तो यहाँ पे एक पिक्चर का $5 से $49 है जो 600 मेगापिक्सल की है, और 6 से $139 है जो 1250 पिक्सल की है, और 2500 वाले की 7 से 209 और 3500 वाले की $8 से $279। हमने जितना भी पिक्चर अपलोड की हैं वो सारी इस एरिया में आती हैं 3500 से लेकर ओरिजिनल वाले रेजोल्यूशन की तरफ। तो हमारी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है जिससे हमें इससे अर्निंग ज़्यादा मिलेगी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी हम वेट करते हैं इसके मेल के आने का कि इसका फर्दर प्रोसेस क्या है। और दूसरा, अगर इसके पेमेंट मेथड देखें तो ये आपको पेयोनीर में, पेपाल में, ARDM में, बैंक अकाउंट में और क्रिप्टो करेंसी में आपको पेमेंट देता है। तो यदि आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।